देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण फैल रहा संक्रमण बेकाबू हो गया है। इसे देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी, साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आए दिन दिल्ली से लोग उत्तराखंड आते जाते रहते हैं। दिल्ली में अधिकतर लोग उत्तराखंड के रहते हैं और गांव से लेकर शहर तक के लोगों का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। इसको देखते हुए दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले उत्तराखंड के लिए भी काफी खतरनाक हैं। वहीं दिल्ली सरकार का ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना करीबन 4,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट भी 5.5% से ऊपर हो गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने का अभी कोई विचार नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार न सिर्फ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू वहां की स्थानीय सरकार ने लगाया है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना के सर्वाधिक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और सख्त नियम लागू किए हैं। राज्य के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऑक्सीजन वेंटिलेटर वाले बेड्स की कमी आने लगी है। दिल्ली में हालांकि अभी अस्पतालों में बेड्स की कमी जैसी कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में अगर आंकड़े इसी रफ्तार से बढ़े तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।